फ्रेंड नमस्ते, हमारे गार्डन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको देखिए यह स्नेक प्लांट लेके आई हूँ, जो सेंसवेरिया काफ़ी हार्डी प्लांट होता है ये, और काफ़ी ज़िद्दी प्लांट होता है वैसे। इसको एक चीज़ से बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आपको मैं बताती हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं बताती हूँ आपको कि स्नेक प्लांट्स को आप इस तरीके से कैसे लगा सकते हैं। और छोटे से छोटे पॉट में ये देखिए, ये मैंने कोकोडोमा बनाया था, इसमें भी मैंने एक प्लांट लगाया था। और ये देखिए, ये इसके अंदर से ली गए, मेरे ऊपर जो टेरिस पे रखे हुए गमले हैं उसके गमले को मतलब कि फाड़ के नीचे से निकली आए इसके बेबी प्लांट्स। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले तो अपन इसकी बात करें रिक्वायरमेंट की, मिट्टी इसकी वेलड्रेन मिट्टी रखें। किसको पानी मतलब कि खट्टा रहना पानी पसंद नहीं है, और इसको ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है, इसको कम पानी में भी काफ़ी सर्वाइव करता है। तो आप इसे वेलड्रेन मिट्टी रखें, इसकी बजरी, गार्डन सोयल और कंपोस्ट, इसका मतलब कि आप कम बराबर बराबर का रेशो रखें और पानी नहीं रुकना चाहिए। इस तरीके से मिट्टी बनाएं आप इसकी। और ये प्लांट्स आप इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर भी प्लांट है, इसको आप बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं। आप अंदर ऑक्सीजन रिच प्लांट है, अंदर रखना इसके लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये, कि अपने हवा को शुद्ध करता है। तो अपने घर के जो भी प्लास्टिक व्लास्टिक पेंट वगैरह से जो अपना घर में प्रदूषण रहता है, उसका ऑक्सीजन से ये शुद्ध बनाता है घर को। तो इसको अपने अंदर इंडोर प्लांट इंडोर में रखना अच्छा है ये प्लांट। तो आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं इसका, और पानी का है तो पानी इसके मतलब ऊपर की लेयर सूख जाए 3 इंची, तब देख के फिर पानी दें। ज़्यादा पानी देने से भी ख़राब हो जाता है प्लांट। वैसे मैंने इसमें कोई बीमारी तो मेरे गार्डन में तो इसमें कोई अटैक हुआ नहीं है, कोई फंगल अटैक इसमें, लेकिन आप ज़्यादा पानी देंगे तो रूट रोट होने की समस्या रहती है, और ज़्यादा पानी से इसको बचाएं। और ये सिंगल लीफ से भी लग जाता है, ये देखो मैं काफ़ी वैरायटियाँ होती हैं इसमें, और मैंने ये सब लीफ से लगाए थे, ये देखिए, ये वाला देखिए लीफ से लगाए हुए हैं, और अब इसमें बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। ये देखिए, ये भी मैंने एक प्लांट लगाया था, अब इससे देखो कि निकले हुए हैं। ये मैं एक प्लांट लेके आई थी, इससे मैंने काफ़ी प्लांट बना लिए हैं, ये काफ़ी महंगा प्लांट था। और ये भी मैंने नर्सरी से लेकर ही मैंने इसको डिवाइड करके काफ़ी प्लांट बना लिए हैं, और इसमें काफ़ी वैरायटियां हैं। आप एक बार लेके आए, नर्सरी से लेके आए या किसी के पास हो तो कटिंग से भी लग जाता है, इजी प्लांट है काफ़ी। आपको देखिए कटिंग भी दिखाती हूँ, मैंने अभी बजरी में लगाया था, ये देखिए लीप से लग जाता है ये। तो आप इसे लीफ से भी लगा सकते हैं, और इसको बचाने का बस एक ही तरीका है कि आप इसमें पानी ज़्यादा नहीं दें। और इसको पसंद नहीं है बरसात, बरसात का पानी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सभी पेड़ों को जैसे बरसात का पानी अच्छा लगता है, लेकिन इस प्लांट को बरसात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि इसको बरसात में इसके गलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यदि स्नेक प्लांट्स हैं आपके पास और आप उसने बाहर रखे हुए हैं, तो उसको सेमी शेड एरिया में रख दें या इंडोर में रख लें, तो आपको अपने प्लांट्स को बचाना है। तो स्नेक प्लांट्स के लिए बरसात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे इसके रूट रोट होने की समस्या हो जाती है। इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बना रही थी लाइक, तो मैंने तो शेयर कर लेते हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।